You think you know me? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसलिंग हिंदी एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंस मैकमैन का रोमन रेंस को लेकर आगे क्या प्लान है और उनका फ्यूचर रोमन रेंस को लेकर क्या है। तो वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो विंस मैकमैन के रोमन रेंस एक फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है, और जैसा कि पहले विंस मैकमैन रोमन रेंस को कंपनी का सबसे बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार बनाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन पिछले साल समर स्लैम में रोमन रेंस रिटर्न आए और उन्होंने ब्रे वायट और स्टोन पर अटैक करके हिल टर्न ले लिया, और पिछले एक साल से रोमन रेंस हील सुपरस्टार ही है। लेकिन जब से वो हील सुपरस्टार बने हैं, वो क्राउड के सामने नहीं आए हैं। रेसलमेनिया 37 को छोड़ के बात करें तो अब न्यूज निकल के सामने आ रही है कि विंस मैकमैन रोमन रेंस के फ्यूचर को लेकर काफ़ी बड़े बड़े सोच वो रख रहे हैं, और वो WWE का सबसे बड़ा हील सुपरस्टार रोमन रेंस को बनाना चाहते हैं। और अब रोमन रेंस को सबसे बड़ा हील सुपरस्टार बनाने की जिम्मेदारी विंस मैकमैन ने ही ले ली है, और अब वो उनका हील सुपरस्टार वाले करेक्टर को काफ़ी और अच्छा करने वाले हैं। और जब से रोमन रेंस हील सुपरस्टार बने हैं, उनको हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने एज और डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया 37 में दोनों को पिन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने केविन ओवेंस को भी हराया है हील बनने के साथ, सिजारो को भी उन्होंने हराया है, इसलिए अब उनको हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और विंस मैकमैन रोमन का करेक्टर इसलिए ऐसा बना रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बीच मैच देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए विंस मैकमैन रोमन के करेक्टर को इतना बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, और आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।